रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, सिटी 5 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ उस्मीना ठाकर। रेस्क्यूज की ऑपरेशनल सलाहियतों को परखने के लिए टेस्ट का इनेकाद सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन पर किया गया। अली हसन भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने रेस्क्यूज के मुख्तलिफ शोबाजात में जिनमें फायर स्टाफ, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, डेड रेस्क्यूज ड्राइवर्स के ऑपरेशनल सहायतों का टेस्ट लिया, जिसका इनेकाद सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन पर किया गया, जिसमें सियालकोट के तमाम रेस्क्यूज का महारत की बुनियाद पर टेस्ट लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने बताया कि इस तरह के तशखीसी अमल का मकसद रेस्क्यूज की ऑपरेशनल सलाहियतों को परखना है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में हर वक्त इमदादी कार्रवाइयों का आगाज करके इंसानों, जानों और कीमती अमला को बचाया जा सके। रेस्क्यूज की आग लगने की सूरत में कार्रवाई करना, हादसा की सूरत में इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया करना, CPR करना, रेस्क्यू आला चलाना और ड्राइविंग की महारत को परखा गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने रेस्क्यूज की तकनीकी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि रेस्क्यूज अपने ऑपरेशनल सलाहियतों में मजीद मखार पैदा करने के लिए हर शिफ्ट में प्रैक्टिस लाजमी करें, ताकि हम सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर के अवलिन मकसद के तहत अपने मुआशरे को महफूज बना सकें। रिपोर्ट अली हसन भट्ट, सिटी रिपोर्टर, सिटी 5 न्यूज़, सियालकोट।